क्या आप भी अपने काले घेरों से परेशान हैं और आप चाहते हो अपने आंखों के नीचे काले घेरों को दूर करने का असरदार घरेलू उपाय, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम बात करेंगे आंखों के आसपास होने वाले काले घेरों या जिन्हें हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, उनके इलाज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डार्क सर्कल्स में आंखों के आसपास की त्वचा का रंग चेहरे की त्वचा से ज़्यादा काला हो जाता है। ये काले घेरे आपकी त्वचा पर उम्र का असर दिखाते हैं और आपकी खूबसूरती को कम कर देते हैं। इनको दूर करने का मैं आपको बताऊंगी देसी परमानेंट इलाज, जिससे कितने भी गहरे आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स हों, कितने भी पुराने हों और कितने भी आपके आंखों के आसपास झुर्रियाँ आ गई हों, अगर आप ये रेमेडी करते हो तो इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ईजी होम रेमेडीज। इनमें से कोई भी एक रेमेडी आप चूज कर सकते हो जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हों। फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक बोल, उसमें आपको डालना है 1 चम्मच भर के कॉफी पाउडर, आधा चम्मच आपको डालना है एलोवेरा जेल, 4 से 5 बूंदें डालनी है बादाम रोगन की। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और तैयार है आपका आई पैक। अब इसे लगाने से पहले चेहरा धो लीजिए और इसे लेकर आपको अपने आंखों के आसपास लगाना है। एलोवेरा जेल त्वचा पर लगाने से हमारी स्किन चमकदार और खूबसूरत बनती है। बादाम रोगन में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स हमारे पोर्स के जरिए अंदर जाकर हमारी मसल्स और वेंस को मजबूत करते हैं। कॉफ़ी पाउडर में कैफीन एसिड होता है, ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, हमारे रंग को भी निखारता है। अगर आप अपने चेहरे को गोरा बनाना चाहते हो, अपने स्किन टोन को लाइटन ब्राइटन बनाना चाहते हो, एक्ने पिंपल्स झुर्रियां झाइयों रहित चेहरा चाहते हो, तो आप अपने पूरे चेहरे पर भी इसे लगा सकते हो। मोटी सी लेयर इस मिक्सचर की लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है। जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए तो उसके बाद कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए और कोई भी सीरम, एलोवेरा जेल या बादाम रोगन लीजिए और इसे आंखों के आसपास अप्लाई कर लीजिए। ऐसा आपको रोजाना करना है। सेकेंड रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन प्लांट वाला एलोवेरा आपको यहाँ पर नहीं लेना है, तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। 2 विटामिन ई कैप्सूल लेंगे, इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसे हम डाल देंगे एलोवेरा जेल के साथ ही। अब तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड करनी है, 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसे क्रीम की कंसिस्टेंसी का बना लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए, क्रीम जैसा सा बन जाए, तो इसे एक छोटे से कंटेनर में भर लीजिए। आप इसे महीने भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद अगले दिन आप इसे लगाना शुरू कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए रात को सोने से पहले आप इसे फिंगर टिप से थोड़ा सा लें और अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पर इस तरीके से अप्लाई करें। दोनों आंखों के आसपास इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे, फिर हल्की हल्की मालिश करें। इसका कूलिंग सेंसेशन आपके डार्क सर्कल पर इंस्टेंट असर दिखाएगा। ऐसा करने से 3 से 4 दिन में ही आपके डार्क सर्कल में बहुत ज़्यादा दिखेगा और अगर आपके थोड़े से डार्क सर्कल हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरी तरह से चले जाएंगे। तीसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए आलू। इसे अच्छे से धो लीजिए और छिलके समेत ही ग्रेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो। पोटैटो में आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और बहुत सारा स्टार्च होता है जो आपके डार्क स्किन को लाइट करता है, टैन रिमूव करता है, आपकी सनबर्न, डार्क सर्कल, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से इसका जूस निकाल लीजिए और इस जूस के अंदर आप डाल दीजिए 1 चम्मच एलोवेरा, 1/2 चम्मच हनी और थोड़ी सी हल्दी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप इसे रेफ्रिजरेट करके 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक कॉटन पैड लेना है, इसे मिक्सचर में डिप करना है, इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है और फिर इसे कॉटन के थ्रू ही अपने अंडर आइज के ऊपर अप्लाई करेंगे। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करती है, डार्क सर्कल को रेड्यूज करती है, कम करती है डार्कनेस को। एलोवेरा जेल में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के डार्कनेस को कम करती है, दाग धब्बों को कम करती है और हनी हमारी स्किन की रंगत को लाइटन और ब्राइटन करता है। इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से अप्लाई करेंगे। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे धीरे धीरे से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, फेस धोने के लिए ऑलवेज ठंडा पानी ही यूज करें।
में से कोई भी एक रेमेडी आप कंटिन्यू करें तब तक जब तक कि आपके ख़राब से दिखने वाली काले घेरे आपकी आंखों को छोड़कर चले नहीं जाती। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।